चौकीदार तुम्हारा नाम अहनदेव, हाँ हाँ, तुम्हारे पिताजी का पहनदेव, तुम्हारी माँ का रहनदेव। अब यह चलना चाहिए ग्राम सोहतगढ़ में थाना बना हुआ है और मैं यहाँ वहाँ का चौकैया चौकीदार हूँ। थाने में तो हवलदार से पहले जब नहीं आते हैं तब तेरे मनोहर मंजिल करते हैं। क्या बताए भैया, जब से ड्यूटी कर चौकीदार की नौकरी नौकरी चाकरी नौकरी तो क्या करेंगे, छुट्टी के मौका नहीं मिलते, घर जाएगा मौका ही नहीं देते हैं। लेकिन अब भैया गाते बजाते तो मनोहर मंजिल करना चाहिए। जेल खड़वा में मोर ससुराल अदालत में भौरी नालायक के क्या बनाए दोस्तों। पुलिस की नौकरी की वाले जान है, देखिए ये थाना है और अभी चलो थाने में चौकीदार भी नहीं यहाँ पे है। चौकीदार आती हूँ, लेडीज होता ना क्या। जय भीम। इतना मारेंगे चौकीदार सही हो जाओगे ना लायक कहीं के। क्यों का है, जय हिंद बोला करो। जय हिंद, जय भीम बोलते हो ना लायक कहीं के। जय भीम बोला जाता है। चौकीदार हो कौन का नहीं है, क्या नाम है तुम्हारा। नाम हमारा अहनदेव है। अहनदेव तुम्हारा नाम है। सर माई चौकीदार तुम्हारा नाम अहनदेव, हाँ तुम्हारे पिताजी का पहनदेव, तुम्हारी माँ का रहनदेव। अहनदेव पहनदेव रहनदेव, हमारे बाबा जब मरे वापस मेरे कही ना नाम यहाँ पे राज में दूसरे मिलते जुलते हैं। ये बताओ सरकार ने तुम्हें कितना वेतन देती है। बेहतर ना है भेटो तो हाले। हम वेतन पूछ रहे हैं, बताओ तिहला है। चौकीदार चौकीदार क्या बताए, कुछ कहने से कहा नहीं जाता है। चौकीदार आज कुछ मूड हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है। आज हम आल्हा सुना चाहते हैं। आल्हा सुना लेते हैं। अरे जाते पासरी हैं साहब, साहेब लोग आ रहे चौकीदार चौकीदार आल्हा सुना हम लगे सुनावे सुना जब करिया के हमारे भवा हमरे आए करिया मारे पाँच छह सिपाही मूल पान कर देखिए बड़े बहादुर खड़े पांच छह सिपाही मूल कर। अच्छा तो फिर सुनाओ भाई तलवार मंगाओ भाई। आला ले आला हमारा पवारा है, हम जहाँ तहाँ के यहाँ के रहे अरे साथ थोड़ा दे रहे हो साहब, साथ दे रहे हो भूल भाई। भरी तरह आए थे। अच्छा सुर में ला रहे हो, सुर गाना बजाना हमारा गधे की रोना बराबर है।
के उतन मर के हो गए घोड़िए की लीद। राम बोले अल्लाह से कब हुई है ये अल्लाह सुना रहे हो, ये तुम्हारी सवैया है। देखो कहा सीतक ब्याह हो जाती रहे, कहा तुमने की मुसलमानी भोग। मुंशी रामनाथ जी साहब, मेरे कहने के मुताबिक चौकीदार को तत्काल थाने में पेश किया जाए। जी चौकीदार इधर आओ। तुम्हें मालूम होना चाहिए थाना सूरत का है। खाना खाए आने से अबे थाने की बात ना करता हूँ मैं, थाने की बात करता हूँ। ये थाना सूरतगढ़ है
और मुझे लोग इज्जत कर बसीर खा जाते हैं। मैं जात का तो पठान हूँ लेकिन नौकरी गवर्नमेंट की करता हूँ। चौकीदार, मेरे कहने के मुताबिक मैं तुमसे ये जान सकता हूँ कि थाने में आले का प्रोग्राम किसकी आज्ञा से हो रहा था? साफ साफ बताओ क्या है? ये कहते थाने को अच्छा लग रहा है। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जब थाने में तुम्हारा खाली समय सैनिक तक नहीं रहा था तो मुंशी रामनाथ ने कहा कि कोई थाने में मनोरंजन का प्रोग्राम हो जाए तो तुमने आला स्टार्ट कर दिया। क्यों रे? वाजपेयी वाला है। ओ, जात के पास ही होंगे। अरे साहब, आला हमारे पसीन में हुलुगो का आला सुन होते हैं। ओ चौकीदार, एक मेरी बात सुन लो कान खोल के। आज के बाद कोई आला और नाच करने का प्रोग्राम थाने में नहीं होगा। नहीं होगा ना? तुम्हें नहीं पता है एक तारा शुरू कर दे शेर सिंह भोचा से चट्टान सिंह ऐसे नजर कितने कोटा को पैदा हो गए जो जो अभी तक चम्मा घाटी में आवारा घूमते हैं। किस लिए? ये तुम लोगों की लापरवाही से। तुम लोग ड्यूटी सच्चाई और ईमानदारी के साथ में नहीं करते हो। ओ, ऐसी बात नहीं है साहब, ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं सर। और डाकू के बारे में बात रही तो अनेक बार हम लोग पकड़ने के लिए गए लेकिन वो लोग थाने हाथ नहीं लगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फोन आ गया है। हेलो, कौन? मुनीम जी, मुनीम बिहारी लाल। ओ फैसी, मैं इंस्पेक्टर बसीर खां, थाना सूरतगढ़। अच्छा, नमस्कार नमस्कार। कहो किस लिए आपने मेरे पास कॉल किया? अच्छा, क्या सुल्तान सिंह ने हवेली में मुझे याद किया है? ठीक है, थाने के बाद छुट्टी के बाद हम जो है छुट्टी के बाद अपने पुलिस फोर्स के साथ हम हवेली पे तत्काल पहुंचेंगे। नमस्कार नमस्कार बिहारी लाल, हम आएंगे तो तुमसे मुलाकात जरूर करेंगे। ठीक है, थोड़ा इंतजार करिए, हमारी गाड़ी तुम्हारी हवेली तक पहुंच रही है। मुंशी रामनाथ जी सर, ये यहाँ के जो नई जमींदार है जिनका नाम सुल्तान सिंह है जी, उन्हीं का मुहिम ये बिहारी लाल। अच्छा, मेरा पास शोर किया है कि सुल्तान सिंह ने मुझे तत्काल हवेली में याद किया है। अच्छा, मुंशी रामनाथ जी सर, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। चौकीदार, तुम भी मेरे साथ चलोगे लेकिन वहाँ पर कोई बदतमीजी नहीं होगी। लाला मुनीम थोड़ा दूजी किस्म का इंसान है लेकिन उससे थोड़ा तुम होशियार रहेगा। खाने पीने की सारी व्यवस्था होगी। चलो आओ मेरे साथ, आज चलते हैं सुल्तान सिंह की हवेली पे।